वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास फाइव की जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 8 जो कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि ज़मीन की साख्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम वेयर कंडीशंस आर सूटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी का वो वाहिद सियारा है जहाँ पर लाइफ के ज़िंदगी के वजूद के तमाम जो मुनासिब कंडीशंस हैं सूरतें हैं वो मौजूद हैं। द एयर वाटर सॉइल लाइट एंड सूटेबल टेम्परेचर ऑन द अर्थ प्रोवाइड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग एनवायरनमेंट। रहने के लिए जो माहौल के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारी ज़मीन पर वो हैं हवा पानी मिट्टी रोशनी और मुनासिब दर्जा हरारत है जो कि इस पर मौजूद हैं। द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू देम। तमाम जिंदा मखलूकात की जो ग्रोथ है वो इसकी बदौलत पॉसिबल है मुमकिन है। व्हाट इज़ द इनर साइड ऑफ द अर्थ ज़मीन के अंदर क्या है इसकी अंदरूनी कहानी क्या है या अंदरूनी सतह किस तरह है या सूरत-ए-हाल किस तरह है इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसी के साथ ही हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जो कि एनटीएस पॉइंट ऑफ व्यू या ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 12,800 किलोमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्राम द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ज़मीन की साख्त। यू हैव ऑब्जर्व दैट देर आर थ्री लेयर्स विद इन द एग। एक बॉइल्ड एग जो होता है उसकी तीन लेयर्स होती हैं। द आउटर मोस्ट लेयर थिन लेयर इज इट्स रेंड। देर इज़ अ योक इन द मिडल ऑफ द एग एंड इन बिटवीन टू लेयर्स इट्स अ वाइट लेयर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट द पार्ट्स ऑफ एन एग रिजेंबल एग्जैक्टली द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ज़मीन मायर अर्जियात जो होते हैं उनके मुताबिक जिस तरह अंडे की जो स्ट्रक्चर है ज़मीन की स्ट्रक्चर भी वैसे ही है। द रेंड ऑफ द एग इज़ लाइक क्रस्ट। जो रेंड जो होता है बाहर का जो छिलका होता है पतला छिलका वो क्रस्ट की तरह बिहेव करता है। वाइट पार्ट इज़ लाइक मेंटल। जो सफ़ेदी होती है अंडे की वो मेंटल की तरह होती है जो कि ज़मीन की दूसरी तह है। एंड द योक इज़ लाइक कोर ऑफ द अर्थ। और जो जर्दी होती है वो कोर ऑफ द अर्थ की तरह होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रस्ट क्या होता है। द आउटर शेल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। ज़मीन के सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है उसको क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। ये वो हिस्सा है ज़मीन का जहाँ पर हम रहते हैं। दिस पार्ट कंटेंस लॉफ्टी माउंटेंस डीप ओशंस रिवर्स ग्रीन डेजर्ट्स ग्रीन फील्ड रूरल एंड अर्बन डवेलिंग्स। ये हिस्सा बड़े बड़े पहाड़ों गहरे समुद्रों दरियाओं सेराओं सब्ज़ार दही और शहरी आबादियों पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मैटर। ये ठोस मादों पर मुश्तमिल है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। जो औसत मोटाई है क्रस्ट की वो तकरीबन 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर है। इवन बनीथ द ओशन इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 5 किलोमीटर। हती के समुंदर की तह के नीचे भी 5 किलोमीटर इसकी मोटाई है थिकनेस है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है वो है मेंटल। मेंटल क्या है। द लेयर ऑफ द अर्थ अंडर द क्रस्ट इज़ कॉल्ड मेंटल। जो क्रस्ट के नीचे ज़मीन की तह है उसको मेंटल कहते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम। ये ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा है हजम के लिहाज से। इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 3900 किलोमीटर। इसकी मोटाई तकरीबन 3900 किलोमीटर है। दिस पार्ट इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड हाईली थिक फ्लूड लाइक हनी। ये बहुत ही गर्म हिस्सा होता है और तकरीबन इसके अंदर जो फ्लूड होता है लिक्विड होता है वो शहद की तरह होता है मतलब गाढ़ा होता है। दिस कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लावा ड्यूरिंग वॉल्केनो
इरप्शन, जब भी लावा फटता है तो ये ज़मीन से बाहर आता है। मेंटल के अंदर एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये 3900 किलोमीटर मोटी तय होती है और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो कि शहद की तरह गाढ़ा होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये जब भी लावा फटता है तो ज़मीन से बाहर आता है। थर्ड हमारे पास तीसरा पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, वो है कोर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड कोर एंड इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है ज़मीन का वो कोर कहलाता है और ये सबसे गर्म हिस्सा होता है ज़मीन का। इट्स टेम्परेचर इज़ अबाउट 5000 सेल्सियस, ये तकरीबन 5000 डिग्री सेल्सियस इसका दर्जा हरारत होता है। द कोर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कोर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, इंटरनल कोर एक्सटर्नल कोर, यानी कि बैरूनी कोर और अंदरूनी कोर। ओइंग टू एक्सट्रीम प्रेशर इंटरनल कोर इज़ ऑलमोस्ट सॉलिड, इसका जो इंटरनल कोर होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है और इंटरनल कोर जो होती है वो तकरीबन ठोस होती है, जबकि वेयर एज एक्सटर्नल कोर, जबकि बैरूनी जो कोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लैक मोल्टेड फ्लूइड, वो गाढ़े मोटे मादों पर मुश्तमिल होती है। विच कंटेन्स एलिमेंट लाइक आयरन एंड निकल, जो कि लोहे और निकल को रखती है अपने अंदर। इसी के साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।